हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनीत शर्मा और आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि आपके बच्चे का कौन सा लर्निंग पैटर्न सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक। कौन सा पार्ट आपके बच्चे का सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, चलिए जान लेते हैं वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे बढ़ने के बाद आप भूल जाएंगे, वीडियो में खो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। इसलिए अभी आप चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो वैसे भी अच्छा ही होने वाला है, आपको पसंद ही आएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल अभी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपके बच्चे का कौन सा लर्निंग पैटर्न या आपका खुद का लर्निंग पैटर्न कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। लर्निंग पैटर्न जानने के लिए हमें जानना जरूरी है कि हमारे ब्रेन में कितने तरह के लोब्स होते हैं। वैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि टोटल 10 लोब्स होते हैं। 5 लोब होते हैं हमारे लेफ्ट ब्रेन में और 5 लोब्स होते हैं हमारे राइट ब्रेन में। ऐसे मिलाकर टोटल 10 लोब्स होते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अलग अलग तरह के लोब्स हैं। आप स्क्रीन पर नाम देख पा रहे होंगे। सबसे पहला लोब जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ऑसिपिटल लोब, और अगर उसके ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फ्रंटल लोब, प्रीफ्रंटल लोब या पैरेटल लोब। ये सभी तरह के लोब आपको दिखाई देने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर जो आई बटन दिया गया है, उस आई बटन पर आप ब्रेन लोब्स के बारे में ज्यादा अच्छे से उस वीडियो में समझ लीजिए जो आई बटन पे आपको दिख रहा है। उस वीडियो में जाकर आप देखेंगे तो ब्रेन लोब्स के बारे में पूरी डिटेल्ड आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी हम जानने वाले हैं लर्निंग पैटर्न के बारे में, चलिए हम लोग जान लेते हैं। मैंने ब्रेन लोब्स के बारे में इसलिए आपको कहा, तीन तरह के लर्निंग पैटर्न होते हैं। पहला लर्निंग पैटर्न विजुअल, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं विजुअल। लेकिन ये विजुअल लर्निंग पैटर्न हमारे किस ब्रेन लोब से कनेक्टेड है, उसका नाम है ऑसिपिटल लोब। ये जो ऑसिपिटल लोब होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही हम देख पाते हैं और विजुअल पार्ट हमारा स्ट्रांग होता है। और जो सेकंड लर्निंग पैटर्न है उसे हम बोलते हैं ऑडिटरी मोड। और ये जो ऑडिटरी मोड है, ये जो लर्निंग पैटर्न है, ये जुड़ा होता है हमारे टेम्पोरल लोब से। इसलिए टेम्पोरल लोब की कैरेक्टरिस्टिक हमारे को ऑडिटरी मोड में दिखाई देती है। और जो थर्ड है जिसे हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक मोड, और ये हमारा जुड़ा होता है किससे, कौन से लोब से, पैरेटल लोब से। तो ये तीन तरह के लोब और तीन तरह के लर्निंग पैटर्न हमारे सामने आए। तीन तरह के लोब्स कौन से हुए, पहला हो गया हमारा ऑसिपिटल, सेकंड हो गया टेम्पोरल और थर्ड हो गया हमारा पैरेटल। और इसी के पैरेलल सामने विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, तीन तरह के लर्निंग पैटर्न है। अब आप लोब्स के बारे में तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर वीडियो में देख लीजिए, आपको डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। और लर्निंग पैटर्न के बारे में मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूं। जस्ट देखिए, हमारे को ये देखना है कि हमारे ब्रेन का कौन सा लोब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, बस वही लर्निंग पैटर्न सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। लेकिन कैसे पता लगे कि कौन सा ब्रेन लोब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, कौन सा लर्निंग पैटर्न? एक सोल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया कि आप ये जान लीजिए आपका जो भी ब्रेन का लोब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, उस लोब्स के कारण आपको पता लग जाएगा कौन सा लर्निंग पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यह हमें जानना जरूरी है कि ब्रेन लोब्स के बारे में तो पता लगे, तभी लर्निंग पैटर्न के बारे में पता लगेगा। तो ब्रेन लोब्स के बारे में पता करना कौन सा कठिन काम है, सिंपल सा, स्क्रीन पर दिए गए नंबर है उस पर बात कर सकते हैं, खुद का और अपने बच्चे का DMIT टेस्ट करा सकते हैं। DMIT टेस्ट से आपको यह पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है और कौन से ब्रेन लोब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। जो ब्रेन लोब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, उसी के अनुरूप आपके बच्चे का लर्निंग पैटर्न होगा। लर्निंग पैटर्न जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, अगर उसी लर्निंग पैटर्न से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी याद करेगा, इवन 2 घंटे वाली चीज आधे घंटे में याद करेगा, लंबे टाइम तक याद रख पाएगा। मान लेते हैं आपके बच्चे का रिपोर्ट के अंदर दिया आ गया विजुअल लर्निंग पैटर्न सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपके बच्चे को देखा हुआ बहुत याद रह सकता है। उसकी निशानेबाजी, तीरंदाजी, शूटिंग, स्केटिंग करना या गाड़ी का जजमेंट बहुत अच्छा होना, ऐसी कोई भी चीज जहां पर आंखों के कोऑर्डिनेशन का, आईज कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा उपयोग होता हो, वहां विजुअल लर्निंग पैटर्न वाले बच्चे बहुत कमाल करके दिखा सकते हैं। स्कूल में जब पढ़ने बैठते हैं तो मैडम ने या सर ने बोर्ड पर क्या लिखा उन्हें बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। कई टाइम बाद भी ऐसे बच्चे सिर्फ किसी भी इंसान का चेहरा देख के उसका नाम बता सकते हैं। उन्हें रस्ते बहुत याद रहते हैं, चेहरे बहुत याद रहते हैं, बोर्ड पर क्या लिखा वो याद रहते हैं, आपने 4 दिन पहले क्या कलर की शर्ट पहनी थी वो बता देते हैं। यानी विजुअल ऑब्जर्वेशन उन बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है, उन्हें देखा वो बहुत याद रहता है। ये बच्चे साइलेंटली देखकर बस पढ़ते रहते हैं मन में, लेकिन इनका विजुअल पार्ट इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं, ये भी याद रह जाता है कि किस पेज नंबर पर क्या लिखा हुआ था।
लेकिन इस लर्निंग पैटर्न का फायदा तो हम लोग तब लेंगे ना जब हमें पता हो कि हमारे बच्चे का विजुअल पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। कैसे पता करें? डीएमआईटी टेस्ट। सेकंड, ऑडिटरी मोड अगर आपके बच्चे का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस बच्चे को क्वेश्चन के आंसर लाउडली बोलकर याद होते हैं। अगर ऐसे बच्चे का आपको पता लग गया है कि हमारे बच्चे का ऑडिटरी पैटर्न बहुत अच्छा है तो इसे क्वेश्चन के आंसर लाउडली बोलकर याद करने के लिए कहिए, रिकॉर्डेड मटेरियल सुनने के लिए कहिए, आप क्वेश्चन के आंसर सुनाइए, बच्चा आपको सुनाएगा, दोनों आपस डिस्कस करो, कुछ भी नहीं होता तो रूम बंद करो, दीवारों को सुनाए। अक्सर आपने देखा होगा गर्ल्स को, बॉयज को भी देखा होगा, अक्सर गर्ल्स ऐसा करती है कि वो क्वेश्चन का आंसर याद करने के बाद अपने पास में एक टेडी बियर, एक टेडी जो है खिलौना, कुछ भी टॉय पास में रख के उस टॉय को क्वेश्चन का आंसर सुना रही होती है। वो सुना इसलिए रही है, अब टेडी तो कोई सीख नहीं जाएगा लेकिन वो मुंह से बोल रही है, बोल रही है तो उनके कानों में जा रहा है तो उनको याद हो रहा है। थर्ड अगर देखा जाए तो काइनेस्थेटिक मोड, यानी क्वेश्चन के आंसर बच्चे लिख लिख कर याद करते हैं। ऐसे बच्चे जिनका काइनेस्थेटिक मोड बहुत अच्छा है, काइनेस्थेटिक मोड जिन बच्चों का अच्छा होता है उनके क्वेश्चन आंसर आपको हमेशा कॉपी बनी हुई मिलेगी, क्वेश्चन के आंसर पूरे लिखे हुए मिलेंगे। हो सकता है उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो, ड्राइंग अच्छी करते हैं। साथ साथ में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर याद करने के दौरान टहलके करना चाहिए, रूम में एक वॉल से दूसरे वॉल तक जाकर उसे वॉक करके पढ़े। अगर वॉक करके पढ़ेंगे तो ये बच्चे याद कर पाएंगे। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि काइनेस्थेटिक मोड वाले बच्चे बॉडीली काइनेस्थेटिक होते हैं, बॉडी के मूवमेंट से, बॉडी से एक्ट करके चीजों को याद करते हैं, इसलिए इनका लिखने वाला एक्ट या मूवमेंट करने वाला, इनको चीजें जल्दी याद हो सकती है। ऐसे बच्चे जो कि काइनेस्थेटिक मोड वाले हैं उनका आप देखेंगे उन्हें स्पोर्ट्स में, डिफेंस में, पुलिस में या एथलीट या जिम जाना, ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लोग होते हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा इन तीनों लर्निंग पैटर्न पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको विशेषकर ध्यान रखनी है अगर आप पेरेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। मान लेते हैं कि आपके बच्चे का डीएमआईटी रिपोर्ट में दिया आया लर्निंग पैटर्न विजुअल, तो अपने बच्चे को आंखों से डर दिखाना बंद कर दीजिए। अक्सर हम लोग सुनते हैं और आपने भी सुना होगा, मेरा बच्चा मेरी आंखों से डर जाता है, बंद कर दीजिए। अगर आपका बच्चा विजुअल मोड का है तो उसे आंखें दिखाना बंद करिए। अगर आंखें दिखाएंगे तो बच्चा ऑटिज्म नाम की बीमारी की कैरेक्टरिस्टिक जैसा हो जाएगा, आई कॉन्टेक्ट बंद कर देगा, न केवल आपसे बल्कि औरों से भी, कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाएगा, इसलिए उसे आंखों का डर ना दिखाएं। सेकंड, अगर आपको ये पता लग गया कि आपके बच्चे का ऑडिटरी मोड बहुत तेज है तो उसे तेज चिल्ला के डांटना बंद कर दें। अक्सर मैं सुनता हूं पेरेंट बोलते हैं मेरी एक आवाज में, तेज आवाज के अंदर बच्चा है ना पैंट गीली कर देगा, ये तक लोग बोलते हैं, एक आवाज लगाऊंगा तो अभी तुरंत पढ़ने बैठ जाएगा। ये तेज आवाज लगाना बंद कर दें अगर आपके बच्चे का ऑडिटरी मोड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड, अगर आप देखेंगे काइनेस्थेटिक मोड तो उस बच्चे को मारना पीटना बंद कर दें। हो सकता है कि आप अपने बच्चे को चपत लगाते हो, अगर काइनेस्थेटिक मोड का बच्चा है तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को मारना पीटना बंद कर दें। इन तीनों चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चे का बिहेवियर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, आपसे उसका कोऑर्डिनेशन, उसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लर्निंग पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर दो घंटे वाला आधे घंटे में याद करेगा, लंबे टाइम तक याद रख पाएगा। इस वीडियो को आपने मेरे हिसाब से अंत तक देखा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए और जरूरतमंद जो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए ताकि उन तक ये चीज जा सके और वो लोग इस वीडियो से अगर कुछ सीख पाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको डीएमआईटी से रिलेटेड कोई भी तरह का पॉइंट ऐसा जो आपको लगे कि इस पे वीडियो बना के दें तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम लोग उस पे वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी मल्टीपल इंटेलिजेंस पर। एक आदमी अपने जीवन में जब पैदा होता है तो 8 तरह की बुद्धि लेकर पैदा होता है, वो 8 तरह की इंटेलिजेंस कौन सी है जो कि डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताई गई है। पूरे विश्व में जो भी यूनिवर्सिटी में एमए कराई जाती है साइकोलॉजी में, उसमें 8 तरह की इंटेलिजेंस पढ़ाई जाती है जो कि हमारे को जानना बहुत जरूरी है, आपके बच्चे के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक एक मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, 8 तरह की इंटेलिजेंस कौन कौन सी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।